नमस्कार। अभी हम लोग शिव काशी फिल्म का मुहूर्त की है और ये एक बहुत ही अच्छी एक्शन मूवी है और आज हमने मुहूर्त किया, हमारी टीम ने मिलकर मुहूर्त किया, हमने पूजा के साथ में शुरू किया है और बहुत जल्दी अपना प्री प्रोडक्शन शुरू होगा। और क्या सॉरी नमस्कार, इसमें प्रेम सिंह हैं और उमेश सिंह हैं और श्रुति राव जी हैं और कास्टिंग अभी बाकी है, अभी कास्टिंग हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हमने पूजा के साथ में शुरू किया है और बहुत ही जल्दी हम लोग इसमें प्री प्रोडक्शन अपना शुरू होगा, जो कि इसमें अभी काफ़ी कास्टिंग है, जो कि काफ़ी लोग अपने साथ में जुड़ेंगे। जेपी जी हैं, जो साहब लालधारी हैं, जो कि काफ़ी लोग हैं, जो कि इसके बाद हम लोग दूसरा जो प्रक्रिया होगी वो कास्टिंग की होगी। जी, शिव काशी के अभी तो हमने मुहूर्त किया है, शिव काशी की शूटिंग हम लोग करेंगे बनारस में करेंगे, जो कि मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हम लोग शुरू करेंगे। एक्चुअली अभी डेट अभी अपना फाइनल नहीं है और अभी प्री प्रोडक्शन के बाद हम लोग अभी सब आर्टिस्ट का डेट हुआ, जो चीज़ें सबके डेट वगैरह मैनेज करके इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, डेट अभी लॉक करेंगे। अभी कुछ ऐसा कुछ डेट लॉक नहीं है, लेकिन तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में हम लोग शुरू करेंगे। प्रेम को लेने का रीजन है कि सबसे पहले तो प्रेम बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और कमाल के एक्टर हैं, तारीफ जितनी की जाए कम है, क्योंकि मेरे साथ में तीन प्रोजेक्ट हम लोग कर चुके हैं और ये तीसरा चौथा प्रोजेक्ट मेरे साथ में होगा। तो सबसे बड़ी खासियत प्रेम को लेने का मतलब कि वो कमाल के एक्टर हैं। अभी जो अपना कैरेक्टर है, जो फिल्म में जो काशी का शिव का काशी का जो कैरेक्टर है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत परफेक्ट, क्योंकि ये एक्शन मूवी है। और प्रेम को लेने का रीज़न ये है कि प्रेम एक्टिंग के साथ साथ में एक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगा कि प्रेम को लेना सही डिसीजन रहेगा। सर, आपको जानना चाहूँगी फिल्म के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को नमस्कार, आशीर्वाद यथा योग्य, और हमारे मीडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म के बारे में जहाँ तक सवाल है, हमारे राम पटेल जी ने अभी आपको बताया, इसके बारे में भी मुझे विशेष नहीं मालूम है, लेकिन राम पटेल जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं, कि उनके साथ मैंने पंगेबाज और आरजू दो फिल्में मैं कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया टेक्नीशियन, बहुत बढ़िया इंसान, जो दोनों चीज़ें होंगे डायरेक्टर के लिए जो अच्छे टेक्नीशियन है, इतनी बड़ी बात और क्या हो सकती है, और बहुत अच्छे इंसान। अगर इंसान बढ़िया है तो फिर उससे बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो दोनों फिल्में मैंने की, हालांकि मैंने पंगेबाज में बहुत छोटा सा रोल मिला है, पहली बार इनसे हमारी मुलाकात हुई, लेकिन ये हमारे फ़ैन हो गए, मैं इनका फ़ैन हो गया। आरजू में बहुत बढ़िया करेक्टर किया मैं हीरो के बाप का, तो बस ज़्यादा नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि हमारी शुभकामना राम जी पटेल के लिए और ईश्वर से प्रार्थना कि इनको शक्ति सामर्थ्य और वो पावर दें जिससे अच्छी फिल्म बनाएं। और प्रेम के बारे में जहाँ तक सवाल है, वो तो भाई जिन्होंने कहा वो कम है, और बड़ी तारीफ करूं मैं तो वो भी शायद उसके लिए अतिशयोक्ति होगी। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूं, और ये हमारी फिल्म शिव काशी जो आज मुहूर्त हुआ है, और हमारे प्रेम जी हैं इसमें, और श्रुति जी हैं, और उमेश सिंह जी हैं, और बहुत जल्द मार्च में हम लोग का प्लान बन रहा है कि शूट स्टार्ट किया जाए। सर, सामने देखो, सामने दर्शकों को कब तक देखने मिल जाएगी? देखिए, अभी तो डेट फाइनल नहीं है, और डेट मार्च शुरू या लास्ट में सर बताए हैं, उसी समय काम की स्टार्ट होगा। और दर्शकों के बीच में फिल्म आएगी, अभी लमसम सम हम लोग मार्च में शुरू करेंगे तो 5-6 महीने लगेंगे। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकली चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे, उसके बाद ही फिल्म दर्शकों के बीच में आएगी। तो अपनी तो सबसे पहले कोशिश है कि सबसे पहले हम लोग अच्छी एक शूटिंग करें और उसके बाद सही टाइम से उसको पोस्ट प्रोडक्शन कम्प्लीट करके और फिर दर्शकों के बीच में जल्दी जल्दी हम लोग फिल्म को दें। नहीं नहीं, अगस्त तो अभी डेट तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन कोशिश है कि अभी हम लोग शूटिंग मार्च में करेंगे, तो उम्मीद है कि दीपावली के लमसम हम लोग इसको आपके बीच नज़दीकी सिनेमा घर में दीपावली के लमसम हम लोग इसको लॉन्च करें, रिलीज करें। थैंक यू। अभी तो मेरी पंगेबाज कंप्लीट है और नेक्स्ट मंथ में वो जो कि रिलीज हो रही है।
और इसके बाद हम अभी नेक्स्ट पिछले मंथ अभी हम लोग करके आरजू करके आए भी, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन अभी चल रहा है, और बहुत ही जल्दी अभी हम इस मंथ में भी अभी शूटिंग पे हम लोग जा रहे हैं। 26 से अपना शूटिंग स्टार्ट है, लेकिन अभी टाइटल अभी कंफर्म नहीं हुआ है अभी, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन 26 तारीख से हम लोग गोरखपुर में शूट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है, और आने वाले समय में कंटिन्यू, अभी तो 2-3 महीने कंटिन्यू चल रहा है, अभी प्रक्रिया चल रही है जी। धन्यवाद। थैंक यू। कुछ फिल्म के बारे में बताइए, आपकी फिल्म का मुहूर्त क्या गया है, आपने किरदार के बारे में बताइए। फिल्म बहुत अच्छी है और स्टोरी बहुत अच्छी है, और इस फिल्म में मेन मकसद काम करने का ये है कि इस फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा था, जो फिल्म के जो यूनिट है, फिल्म के यूनिट के जितने मेंबर्स हैं, जैसे प्रेम जी बैठे हैं और राम पटेल जी, इनकी एक फिल्म देखी थी मैंने पंगेबाज, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है, साउथ टच मूवी है, तो उसको लेकर के मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी काम करने के लिए। तो राम पटेल जी का कॉल आया कि श्रुति एक अच्छी स्टोरी है और तुमको लेके काम करना चाहते हैं, तो फिर मैंने हाँ बोला, स्टोरी बहुत अच्छी है और काम करने का एक्सपीरियंस भी अच्छा जाएगा। सवाल जवाब ओके ओके सॉरी। हीरो बहुत अच्छे हैं, कम टू डाउन पर्सन है, और सबसे बड़ी बात कि सुना है मैंने इनके बारे में कि बहुत कॉपरेट करते हैं आर्टिस्टों को, तो हमको क्या चाहिए, कॉपरेटिव पर्सन मिले काम करने के लिए तो अच्छा ही रहेगा काम करके। मैं तो गदगद हो गया, बोलिए जी, बताइए कुछ फिल्म के बारे में, शिवकाशी के बारे में। सबसे पहले तो जितने चैनल्स हैं उसको देखने वाले भोजपुरी दर्शक को हाजिर का प्रणाम करता हूँ मैं। फिल्म शिवकाशी अभी ये 2 दिन पहले मैं साइन किया हूँ फिल्म में, और कहानी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत इनोसेंट कहानी और एक्शन फिल्म है, तो ज़्यादा कहानी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी चर्चे में नहीं है उतना वो कहानी, मतलब बताना उचित नहीं है अभी, रिवील नहीं कर सकते, रिवील नहीं कर सकते उसको। तो जो भी है सही एक्शन फिल्म है और लव स्टोरी फिल्म है, रोमांटिक फिल्म जिसमें मैं शूट कर रहा हूँ, और एक खतरनाक लुक देखने को मिलेगा, मेरा पोस्टर जैसे देख सकती है आप, वो मेरा लुक जो दिख रहा है उसमें आप श्रुति जी उसमें लीड कर रही है, और हमारे भाई सोनू जी है जो पुलिस इंस्पेक्टर कर रहे हैं, उसमें थानेदार बने हुए हैं, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो, तो आशा करता हूँ फिल्म बहुत अच्छी होगी और उसकी कहानी बहुत अच्छी होगी, जल्द दर्शकों को मिलेगी देखने। मैं काशी सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों आज खुशी की यह बात है कि आज हमारे फिल्म का मुहूर्त है, क्योंकि यह फिल्म दो भाइयों की कहानी है, इसमें हमारे अदड़ी भैया प्रेम जी बड़े रोल कर रहे हैं, मैं सेकेंड रोल कर रहा हूँ, और हमारे बड़े भाई डायरेक्टर के रूप में राम जी पटेल हैं, और हमारे बड़े भाई प्रोड्यूसर के रूप में राजा बाबू हैं, और बड़े भैया उमेश जी इसमें विलेन का रूप निभा रहे हैं। ये फिल्म दोस्तों बड़ी मज़ेदार फिल्म है, बहुत ही लाजवाब फिल्म है, और कॉमेडी में हमारे अदड़ी लालदारी भैया जी रोल कर रहे हैं, जो कि गजब के कलाकार हैं, और इस फिल्म के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता दोस्तों, और आप लोग जो कि इसके बारे में आगे नहीं कुछ बता पाऊंगा, और जो मेरे बड़े भैया प्रेम जी हैं बड़े ही अच्छे इंसान हैं, और श्रुति जी हैं जो कि बहुत ही नेक दिल हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, अब इसके आगे मैं नहीं कहूँगा। राम नमस्कार। राम पटेल जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बैक टू बैक काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्री में ऐसे ही काम करें, और सबसे पहले क्या होता है ना कि एक डायरेक्टर का नेचर होना चाहिए, और इनका नेचर है एक आर्टिस्ट को कंफर्टेबल जोन दे के काम करा रहे हैं, न्यू आर्टिस्टों के साथ काम कर रहे हैं, तो इनका जितना फीडबैक सुना है मैंने, होपफुली कि जब साथ में काम करें तो वो देखने भी मिले। इससे पहले तो जस्ट अभी करके आई मैं इश्क हसाए इश्क रोला है, इससे पहले प्रमोद प्रेमी जी के साथ उड़ल उड़ानिया, प्रमोद प्रेमी जी के साथ सैया सवर का, एंड उड़ल उड़ानिया प्यार में राकेश मिश्रा जी के साथ, और समर जी के साथ लव लेटर किया है हैज़ मेन लीड, और पोस्ट प्रोडक्शन में है मे बी, बैक टू बैक आने वाली हैं सारी फिल्में। मेरी फिल्म तो रिलीज़ है पहले जान हमार फिल्म, अभी फिल्म आने वाली है पंगेबाज, जो कि फरवरी में, आई थिंक फरवरी में आएगी, और इसके बाद आरजू है जो इसी साल में रिलीज़ होगी, दो फिल्में इस साल में रिलीज़ होगी।
अच्छा सॉन्ग सुनना चाहते हैं ये फंसा दिया आप लोगों ने कोई बात नहीं आई एम नॉट प्रोफेशनल सिंगर थोड़ा ही गाइए मैंने अभी अभी इनकी सॉन्ग रिलीज हुई है बढ़िया सॉन्ग रिलीज हुई है ठीक है होली का अच्छा सिंगर है कुछ भी हम तोहरा पिरितिया में दिल की दुनिया लूटा दे ले बानी तू माना न माना ए राजा तू माना न माना ए राजा तोहके राजा दुनिया लूटा दे ले बानी क्या बात क्या बात गाना किसके लिए हीरो के लिए ये मेरे ऑडियंस के लिए थैंक यू सर प्रेम जी मान रहे थैंक यू राम जी का प्रेम हमेशा आपके साथ रहता है डायरेक्टर ये तो बात चाहिए कि प्रेम किस तरह का है अब देख ही रहे हैं आप पहली फिल्म साथ में दूसरी साथ में तीसरी साथ में चौथी साथ में पांचवी साथ में छठी साथ में सातवीं फिल्म साथ ही में तो रिलेशन अब समझ लीजिए पंगे बाद में आपको अमरपाली जी का भी साथ मिला है एक गाने में क्या कहना चाहेंगे वो गाना काफी वायरल हुआ हाँ उनके साथ काम करके बहुत बढ़िया लगा था अमरपाली जी को हालांकि उनको थोड़ा सा डाउट था मेरे पे गाने को लेकर कि नया लड़का है तो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा तो उन्होंने मुझे बोला भी था और मैंने कोशिश की उनके साथ अच्छा काम करने के लिए और काम अच्छा किया और उन्होंने लास्ट में काम खत्म होने के बाद बाइट भी दिया था और बोला भी था कि हाँ तुमने काम अच्छा किया कोशिश किया था काम अच्छा हो गया चांसेस है अभी मतलब बताना नहीं चाहूँगा एक फिल्म उनके साथ है अभी बताना नहीं चाहूँगा चांसेस है थैंक यू सो मच थैंक यू विजेता और इस फिल्म के बारे में बता दो कि इसका नाम ही बहुत अच्छा है शिवकाशी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे परमादरणीय श्री राम पटेल जी और हीरो हैं हमारे बड़े भैया प्रेम सिंह जी बड़ा अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके हमने तीन फिल्में की हैं साथ में एक पंगे बाद एक आरजू और एक फिल्म में और है उसका नाम याद नहीं आ रहा तो तीन फिल्में हम लोग साथ में किए हैं मैडम है हमारे बगल में बैठी हैं तो देख के तो एक तो पसीना खिंची रहा है जानते ही हैं महिलाएं हैं तो मैं क्या बोलूं यही लोग बोल देंगे हम नहीं ये डर भी है और कमेटी में निकाल दे रहा है डर को बाहर निकालो ना बाहर जितना ही निकालोगे उतना अच्छा रहेगा तो ये सब चीज़ें हैं अभी मैं इसी काशी कर रहा हूँ और इसके प्रोड्यूसर हमारे राजा बाबू हैं और बड़ी अच्छी फिल्म है जब ये नाम सोचा जा रहा था ये शिवकाशी का तो राजा बाबू पहले मेरे यहाँ फ़ोन किए तो बोले किसको किसको लिया जाए फिल्म में तो मैं कहा कि प्रेम सिंह को हीरो रखिए और राम पटेल सर को इनको डायरेक्टर रखिए क्योंकि मैं राम सर के साथ मैंने कई फिल्में किया और बहुत अच्छा लगा मुझे काम करके तो अच्छा लग रहा है फिर ये एक बार फिर काम करने का मौका मिलेगा शिवकाशी में मेरे तरफ से शिवकाशी ही बहुत बड़ा नाम है जो भोले बाबा से जुड़ा हुआ है एक्चुअली मैं भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ तो सबसे पहले हर हर महादेव और मेरी तरफ से आप लोगों को नमस्कार और शिवकाशी को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती बट राम जी के साथ फर्स्ट टाइम काम करने का मौका मिल रहा है मुझे कुछ नहीं कहना शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं राम जी को ढेर राम जी को बहुत सारी शुभकामनाएं फिल्म के हीरो तो नहीं जानती हम लोग ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे बट वैसे ही कमाल के हैं माशाल्लाह उनको तो देख के ही समझ जाओगी लेकिन बस बेस्ट एक्टर और फिल्म की हीरोइन तो क्वीन है उनके बारे में तो जवाब ही नहीं है बट इतना ही मैं कहूँगी कि मेरे तरफ से शुभकामना है शिवकाशी को और नमस्कार अच्छा लग रहा है क्योंकि ये राम माई का डायरेक्शन में ये शिवकाशी फिल्म जो बन रहा है और प्रेम सिंह बहुत अच्छे एक्टर है इनका भोजपुरी
से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव तो नहीं है, हम हिंदी पिक्चर बनाते हैं। वैसे मेरा भी एक भोजपुरी फिल्म अभी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी, तो प्रेम सिंह का वो पंगेवाल का ट्रेलर देखे, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। और मेरा शुभकामना है कि ये फिल्म, क्योंकि भोले बाबा के नगरी में शूट हो रहा है, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा जाए, सुपर डुपर हिट जाए। आप हीरो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हीरो तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, और चूँकि हम भी संभवतः उनको कास्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम जब हम उनसे मिले तो काफ़ी अच्छे इम्प्रेसिव लगे, और चूँकि मतलब और फिल्मों का उनका देख के थोड़ा सा और ज़्यादा एग्रेसिव हुए कि उनको हमको कास्ट करना है। सर अपने बारे में बताना चाहेंगे आप? जी आप अपने बारे में बताना चाहेंगे आप? मैं भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, ज़्यादातर हिंदी फिल्में बनाया हूँ, और भोजपुरी फर्स्ट टाइम हम बनाने जा रहे हैं, और संभवतः वो अप्रैल में लॉन्च होगा, अप्रैल में शूट होगा, मतलब लॉन्च तो इधर हो चुका है, काम चालू है, और बहुत जल्द आप लोग के सामने मुहूर्त के रूप में भी आएगा। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और मकर संक्रांति के बाद ये पहला मुहूर्त है जो भगवान शिव और काशी, ये दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, और उसमें है प्रेम सिंह और राम जी जो डायरेक्टर हैं। मेरा नाम अमित रासूरिया, मैं हिंदी फिल्म का डायरेक्टर, रिश्ते में गोविंदा का मामा लगता हूँ। बींग सीनियर प्रेम सिंह को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि ये ही विल बी नंबर वन, मे बी एवरीबडी सेइंग दैट ही इज फोर्थ वन, बट आई वांट हिम टू सी ऑन द टॉप एज ए नंबर वन इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। हीरो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हीरो तो मतलब बताऊँ, जो प्रेम सिंह हमारी उनसे मुलाकात हुई और एक बातचीत से पता चलता है, अब हम लोग इतने साल इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं कि दो मिनट में पता चलता है कि इसके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, क्या पावर है, क्या कैपेसिटी है। मेरी विश ये है कि ये नंबर वन पे हो, नंबर वन पे जाएगा, नंबर वन पे रहेगा। फिल्म की टाइटल तो बहुत अच्छी है, कमाल की टाइटल है, और राम पटेल और प्रेम सिंह की ये जोड़ी इन लोगों की बहुत अच्छी है, हो रही है अभी, ये लोग कर रहे हैं और अच्छी अच्छी फिल्में लोग बना रहे हैं, और बेहतर है, अच्छा है। हीरो के बारे में ये हम बोल रहे हैं कि हीरो को मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन मतलब वो बचपन नहीं, लेकिन जब से हम जानते हैं तब से कमाल का है, एनर्जी है इसमें, और बहुत अच्छा कर रहा है। भगवान करे शिव और काशी दोनों मिलके करे, ये और आगे जाए और तरक्की करे, हम सबकी दुआ आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहे और है। थैंक यू। नई फिल्म शिव काशी, हालांकि राम जी ने शिव भक्त के नाम से लाइव किया था, लेकिन शिव काशी जो फिल्म है, जिसके बारे में जरा बताइए, आप इसके निर्देशक हो, क्या थीम है कहानी का, क्या ये किसी तरीके की धार्मिक फिल्म है या फिर उससे रिलेटेड कोई फिल्म है? नहीं, धार्मिक फिल्म तो नहीं है, एक एक्शन मूवी है, फुल एक्शन मूवी है, जिसमें एक फैमिली ड्रामा भी है, एक्शन भी है, कहा जाए तो एंटरटेन का फुल पैकेज है ये। नाम क्यों है शिव काशी? काशी से रिलेटेड कोई स्टोरी होगी या भगवान शिव की गई है? नहीं, काशी एक्चुअली काशी से रिलेटेड है, जो हीरो का हीरो जो दो हीरो हैं, डबल रोल है इसमें, शिव और काशी उनके नाम पे ये फिल्म है, और धार्मिक फिल्म नहीं है और काशी से रिलेटेड फिल्म है। बताइए जरा स्टार कास्ट के बारे में, बता दीजिए। स्टार कास्ट में है, अभी प्रेम सिंह है और श्रुति राव है और उमेश जी हैं, जो कि टाइगर के नाम से फेमस है, उमेश सिंह जी हैं, साहब लालधारी हैं, और जो अभी और भी काफ़ी कास्टिंग अभी बाकी है, अभी जो मेन दो तीन कास्टिंग हुई है, अभी सब पूरा कास्टिंग अभी बाकी है। पोस्टर देख के मुझे लग रहा है कि बहुत सारा ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा, एक्शन बड़ा जबरदस्त होगा। हाँ, एक्शन तो बहुत ही मतलब खास तौर से कहा जाए कि फुल्ली एक्शन मूवी है और मजा आएगा, काफ़ी अच्छा हम लोग प्रयास करें कि अच्छी फिल्म बनाए। तो शिव
इसमें से कौन बनेगा और काशी कौन बनेगा ये भी बता दीजिए, प्रेम का पोस्टर में देख रहा हूँ। हाँ तो अभी अभी जो प्रेम दिख रहे हैं तो प्रेमी शिव और काशी है। अच्छा डबल रोल है क्या प्रेमी? हाँ ऐसा कुछ है। अच्छा हाँ, कब तक शुरू होगी सर पिक्चर? ये अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी तो प्री प्रोडक्शन चल रहा है और इसके बाद हम लोग मार्च में फर्स्ट वीक में प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग बनारस में शूट करेंगे इसको, यूपी के बनारस में हम लोग शूट करेंगे मार्च में। राम भाई आगे के सवाल पूछिए। मैं शिव काशी की टीम को बधाई देता हूं और इनके जो प्रोड्यूसर हैं लाल बाबू जी उनको भी बधाई देता हूं, डायरेक्टर राम पटेल जी को भी बधाई देता हूं। और डायरेक्टर राम पटेल तो बहुत होनहार डायरेक्टर में से एक हैं क्योंकि मैंने इनके साथ में कई फिल्में की है और बाकी लोगों के भी साथ में किया हूँ तो जिसमें ये एकदम अलग हैं। अभी से ज़्यादा क्या बोलूँ, सबको सबको पूरी टीम को बधाई दे रहा हूँ। और अभी फिल्म में अभी 24 तारीख से मैं एक शूट पे जा रहा हूँ एक फिल्म लेके और टाइटल तो अभी नहीं बोल सकता हूँ लेकिन 24 से गोरखपुर में शूटिंग है, उसके भी डायरेक्टर राम पटेल जी हैं। मैं तो नियर अबाउट जितनी भी फिल्में कर रहा हूँ तीसरी या चौथी फिल्म है उसके डायरेक्टर तो मैं राम पटेल को ही रखा हूँ क्योंकि मेरी एक ट्यूनिंग है और इस बार मेरे बड़े भैया दीपक सिन्हा जी का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारे फिल्म में काम करेंगे और बाकी जो भी है डिटेल भैया से पूछ लीजिए। राम जी पर इतना भरोसा क्यों है साहब, आपको बताइए। अभी देखिए आप तो इंडस्ट्री के सब डायरेक्टरों को जानते हैं और आपने देखा है, मैंने भी 4-5 डायरेक्टर के साथ में काम करके देखा है, बजट स्टार्टिंग बनाएंगे 60 लाख, शूटिंग होगी 5 दिन तो 70 लाख होता है, कम्प्लीट होते होते 90 लाख पहुँचता है और रिकवरी है नहीं तो उसमें। और राम पटेल के लिए इसके लिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं बोलूँगा, राम पटेल खुद बताएंगे मेरे विषय में कि मैं क्या हूँ और राम पटेल मेरे लिए क्या है, तो राम पटेल जी से आप वो सवाल कीजिए कि भरोसा क्यों है, वो खुद बता देंगे आपको। बताइए राम जी। दुबे जी को सबसे पहले तो इंडस्ट्री में कभी इंडस्ट्री में कोई भी एंट्री करता है कोई माध्यम होता है कोई ना कोई गुरु मानते हैं या गॉड फादर बोल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जब मैं नया था तो मेरे लिए एक जो एक बोलते हैं नाव नौका बोल सकते हैं या मझधार बोल सकते हैं जो कि जो भी है दुबे जी का बहुत बहुत योगदान, मतलब जितनी तारीफ करूँ कम है क्योंकि इन्होंने मुझे ट्रस्ट करके पहली फिल्म में एज ए डायरेक्टर जो मुझे मौका दिया था और जो मौका मेरे लिए मील का पत्थर साबित हुआ, अभी मैं कंटिन्यू उनके आशीर्वाद से फिल्में कर रहा हूँ तो वो एहसान अभी भी आज भी वैसा ही अभी याद है मुझे और हमेशा रहेगा, तो इसके लिए मैं हमेशा दिल से इनको थैंक्स बोलता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि चलो इन्होंने जो ट्रस्ट किया, चाहे जो भी प्रोड्यूसर हो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट जो करके शुरू में रहता है आगे भी चल के वो ट्रस्ट बना रहे। हाँ दुबे जी को भी जानता हूँ, राम जी को भी जानता हूँ, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, जो भी फिल्में सोचते हैं बहुत कैलकुलेटिव सोचते हैं और बजट के साथ अच्छी फिल्म का भी ध्यान रखते हैं, स्टार कास्ट का भी ध्यान रखते हैं कि उतने ही बजट में हम पब्लिक के सामने दर्शक के सामने अच्छी फिल्म लाएं और इसमें कभी संकोच करते नहीं है। नहीं नहीं तो नहीं, लेकिन बढ़ने भी नहीं देते हैं बजट, वो अच्छी बात है प्रोड्यूसर के लिए ताकि आगे और फिल्में बनाते रहें और मेरा आशीर्वाद है इस फिल्म के लिए और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, बस यही मैं दुआ करूँगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले ताकि आगे बनाते रहें पिक्चरें। मैं जितेंद्र झा, तमाम जो फिल्म से जुड़े लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जब आप काम करते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो उससे लाखों लोग को रोजगार मिलता है, तो फिल्म अच्छी बने और भोजपुरी और आगे जाए यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल गाना अभी मेरा एक गाना बहुत अच्छा हुआ था कि कबले एने वो ने भटकी कि कबले एने वो, जब स्टेज पे खड़े हो जाते हैं तो हम डायलॉग बंद कर देते हैं अपना क्योंकि इनका डांस में देखने लगता हूँ यार। भैया हम लोग कितने बार प्रोग्राम किए स्टेज शो पे ना, हम लोग सबके साथ पवन जी खेसारी दिनेश जितने भी स्टार कास्ट है चाहे वो
कल्लू जी हो, प्रमोद प्रेमी हो, सबके। अभी मैंने गाना किया था प्रमोद जी का, दरदिया उठा ताए राजा, उसको 200 मिलियन व्यू मिला है, उसको मैंने लीड किया आपके आशीर्वाद से। तो हम लोग लगे रहते हैं और आपके आशीर्वाद से सब जानता है कि अलका झा हमारी जीवन संगनी है और 100 से ऊपर फिल्मों में गाना गाया है और हिट हिट गाने लोलिया तमाम जो गाने सुनते हैं। तो बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, मीडिया के तमाम लोग हैं, राम भैया हमारे हैं, रामचंद्र यादव जी, सुनील भाई, तमाम जो मीडिया के लोग हैं, पंडित जी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिस तरह आपने रोहित का नाम नहीं लिया। रोहित भाई तो सदा बाहर इंसान है। तो सबके तरफ से बहुत सारी बधाई फिल्मों को। थैंक यू सर। ओके बाय। फोटो खिंचा गया। अच्छा कैरेक्टर है, शिव का दोस्त का है और इसमें प्रोड्यूसर राजा बाबू और डायरेक्टर रामजी पटेल जी हैं और हमारे कॉमेडियन बड़े भैया साहेब लाल धारी जी। और इसके बाद आपकी कितनी मूवीज है, मतलब मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ, अभी तो बता नहीं सकता मगर है मूवियाँ लाइन पे है, देखा जाएगा। हाँ थैंक यू। आपसे जानना चाहता हूँ आपके दूसरे डायरेक्टर राम जी हैं, उनकी फिल्म का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, नई फिल्म है, तो पहले बताइए पोस्टर आप लोगों को पीछे दिखा, ये कैसा लगा, एक आम ऑडियंस नहीं है डायरेक्टर की नजर से? एक्चुअल ये जो पोस्टर है एक डायरेक्टर के नज़रिए से है और एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज कीप क्वाइट, थैंक यू। हाँ एक्चुअली देखिए ये पोस्टर से बना है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और जो फिल्म का जो थीम है वो नज़र आ रहा है जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं सर, राम राम जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक ऐसा निर्देशक जैसे कई चीज़ें ऐसी बोल रहा हूँ शायद बुरी लगे यहाँ से न्यूज़ अगर बाहर जाए तो, जिसके पास किसी का कोई सपोर्ट नहीं, जिसका फादर डायरेक्टर नहीं, जिसका कोई भाई प्रोड्यूसर नहीं, इस बंदे ने खुद अपने पैर पे खड़े होकर इस मुकाम तक पहुंचा, ये काबिले तारीफ है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। तो जब मैं खड़े होने की तारीफ करता हूं तो समझ सकते हैं कोई डायरेक्टर भी अच्छा होगा, तभी तो प्रोड्यूसर इनके पास आ रहे हैं। तो मेरा शब्द यहीं तक है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कहने ज़्यादा हो जाएगा। बस ये एक आप समझिए कि बॉम्बे जैसी नगरी में एक आदमी खड़ा हो जाता है डायरेक्टर बन के, उसका कोई सपोर्ट नहीं होता है और एक काफिला को लेकर चलता है, एक कारवा को लेकर चलता है, तो मेरे नज़रिए में तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अपने ऑडियंस को नमस्कार करता हूँ, मेरा नाम अनिलेश मेहता है और मैं इस काशी के मुहूर्त पे आया हूँ, मुझे बहुत खुशी हुआ यहाँ सब लोग से मुझे मिला, सब पुराने दोस्त लोग हैं, कुछ नए भी हैं, बहुत खुशी हुआ मुझे और आप लोग तो बहुत पुराने सब लोग जानते हैं मेरे को, इसके हंसी आ गया था मुझे भी। और मैं राम पटेल को मतलब तहे दिल से मतलब धन्यवाद देता हूँ, हाँ कि बहुत अच्छे निर्देशक है, उन्होंने 3-4 फिल्में बैक टू बैक किए और पाइपलाइन में काफ़ी फिल्में कर रहे हैं और सब मतलब प्रेम सिंह जी को लेके कर रहे हैं, मतलब देखिए ट्यूनिंग देखिए, एक डायरेक्टर का हीरो से ट्यूनिंग होना बहुत ज़बरदस्त है, एक डायरेक्टर ने कुछ तो देखा होगा प्रेम सिंह में, तभी तो हर फिल्मों में बैक टू बैक उनको ही ले रहा है, कोई दूसरा हीरो नहीं दिख रहा उनको, प्रेम सिंह ही दिख रहा है, सब्जेक्ट ही ऐसा उठाते हैं नहीं थोड़ा सा। एक्चुअली इसमें एक और ख़ास बात मैं जोड़ रहा हूँ कि अभी सिंगर्स का दौर चल रहा है, ये बड़ा सिंगर्स का दौर चल रहा है। दूसरा है कि हम भोजपुरी बनाते हैं और हिंदी फिल्मों के नाम को देते हैं, लेकिन यहाँ ये बात है, ये बड़ी खासियत है जो काशी जो आप लोग देख रहे हैं, ये थीम वाइज चीज़ें चल रही हैं और
इस बंदे ने जो खास बात की, खास तौर से डायरेक्टर और हीरो की प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ, कि सबको पछाड़ते हुए एक अलग लाइन, एक अलग लकीर खींचते हुए फिल्म बनाते जा रहे, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है, ये तो मैं बहुत तारीफ करूँगा। अब सिंगर्स की बकौती फिल्म नहीं रह गई है, अब विदाउट सिंगर्स भी एक्टर्स अगर है तो वो काम कर सकता है। मे भी ये बातें बुरी लगेंगी आगे, आई डोंट माइंड। राम जी खुश तो बहुत हो गया जी, सारे दोस्त नहीं नहीं बिल्कुल, तारीफ और आशीर्वाद मिलके बहुत बहुत खुशी मिलती है, और मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा काम करूं और सबका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। तो मिलेगा ही सर, थैंक यू सो मच यू ऑल। जी हाँ, ये हमारे जीके चौहान जी हैं, एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। अभी मैंने फिल्म में किया था, फिल्म का नाम था आरजू, जिसका डायरेक्टर रामजी पटेल जी थे, उसमें इन्होंने एक उमेश सिंह का छोटे भाई का किरदार निभाया है, बहुत बढ़िया कलाकार है। और बाकी सब जीके भाई खुद बताएंगे अपने बारे में। जीके भाई बोलिए। सबसे पहले मैं पूरे भोजपुरिया समाज को, मीडिया को, सबको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। मैं जीके चौहान, सबसे पहले मैं जो है राम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी अपने कई फिल्मों का हिस्सा बनाया। अभी आरजू हमने साथ में किया है, सोनभद्र में शूटिंग थी, बहुत अच्छी फिल्म, हमारे प्रेम भाई उसमें फिल्म के लीड हीरो हैं और तनुश्री हैं, बड़े मज़ेदार आर्टिस्ट जेपी सिंह हैं, भैया उमेश सिंह हैं, अच्छे साहब लालधारी जैसे, उन लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आया और उनके साथ काम करने का अच्छा अपना अनुभव भी है। और जो शिव काशी आज मुहूर्त पे हम लोग आए हैं, ये बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, उसका टाइटल ही ज़बरदस्त है, शिव काशी। और एक फिर अच्छी केमिस्ट्री होगी अपने भाई साहब के साथ, प्रेम जी के साथ, हीरोइन मिस श्रुति राव जी के साथ मज़ा आएगा काम करके। पोस्टर कैसा लगा आपको? पोस्टर से तो अब पूरा अर्थ निकल ही रहा है सर, शिव काशी, चूँकि काशी नगरी के ही कहीं इर्द गिर्द इस कहानी का एक हिस्सा है, अच्छा है टाइटल। अरे मालिक, आपके एंट्री से मेरे को डर लग गया था, पता नहीं आप कितने बेइज्जती करोगे। जी बोलिए सर। फिल्म बोले तो कहानी डिटेल्स में मैं भी नहीं जानता, क्योंकि फिल्म दो दिन पहले मैंने साइन किया शिव काशी, और प्रोड्यूसर से बातचीत के दौरान थोड़ा मुझे पता चला कि फिल्म की कहानी बहुत बढ़िया है, ऑनलाइन मैंने पढ़ा था कहानी की, जिसमें लीड मैं कर रहा हूँ और श्रुति जी मेन हीरोइन है इसमें, और एक और पुलिस इंस्पेक्टर का जो कैरेक्टर कर रहे हैं, ये सेकंड लीड कर रहे हैं, वो अपना सोनू यादव जी है। तो फिल्म कहानी बहुत बढ़िया, वो जो गांव से रिलेटेड जो कहानी होती है, मतलब एक एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो मैं कर रहा हूँ, जैसे बोला जाता है ना कि शंकर भगवान की जब तीसरी आँख खुलती है तो क्या होती है, तो इस फिल्म में मेरी तीसरी आँख खुलती है और संहार टाइप का, मतलब पढ़ ले मस्ता है, इस टाइप की फिल्म की कहानी है, जोरदार एक्शन भरपूर। अब क्या तैयारी करनी है अभी, बस स्टंट सीखना है, जाना है, कूदना है, पढ़ना है, जो भी और क्या, इसके बाद एक्टिंग करनी है या फाइट करनी है। किरदार तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत ही अच्छा किरदार है, और दो हीरो हैं हमारी फिल्म में जिसमें मेन प्रेम जी हैं, और सबसे बड़ी तो अपॉर्चुनिटी मिली प्रेम जी के साथ काम करने की, ये बहुत बड़ी बात है, और इस फिल्म का पार्ट हूँ मैं, ये बताते हुए भी मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, बिकॉज इस फिल्म के डायरेक्टर राम पटेल जी हैं जो कि बैक टू बैक लगे हैं काम कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी के साथ आ रहे हैं, कुछ अलग देखने मिलेगा इसमें। एक दो सॉन्ग तो जरूर करूं। नहीं नहीं, हाँ उसमें गाना तो गाएगी श्रुति जी इसमें। अभी मैंने जिसपे मिले थे आप मुझसे स्पेशली, इश्क हसा इश्क रुलाई के सेट पे, वो कंप्लीटेड है, और लव लेटर कंप्लीट है, उड़न उड़न या प्यार में कंप्लीट है, और सैया सवर का कंप्लीट है, बहुत सारी फिल्में हैं जो कि पोस्ट प्रोडक्शन में है और बैक टू बैक आएंगी, तो कुछ नहीं कहना, बस छोटा सा ब्लेस चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, और क्या चाहिए, काम तो कर रहे हैं। प्रेम
जी पिक्चर के बारे में आपको ये फिल्म आई हो, सबसे पहली चीज आपने क्या नोटिस की कि भैया पिक्चर मुझे करनी है? एक्शन, राम जी पटेल को छोड़कर एक्शन। एक्शन जी, एक्शन आपको बड़ा पसंद आया? जी हाँ, एक्शन मुझे पसंद है। इस फिल्म की स्टोरी, बिकॉज शिव काशी टाइटल है, देख के ही लगता है कि कुछ इसमें क्राउड होगा और कुछ मारदार होगा। अभी तक मैंने ऐसी मूवी नहीं की थी, लव एंड ऑल, बहू, ये सब किया था। अभी जो करूँगी कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए मैंने हाँ कहा फिल्म के लिए। और अच्छा है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट आता है तो करना चाहिए। आप ही मारदार करने वाली? नहीं, करने वाली नहीं हूँ, करवाने वाली हूँ। सही बोला एकदम। प्रेम जी आपको राउडी हीरो कहा जाता है। जी हाँ, जो टाइटल जुड़ा उसमें बताना चाहेंगे? अब क्या बताऊँ आपको, ये तो नाम कुछ लोग हैं इंडस्ट्री को, वही लोग दे दिए हैं राउडी हीरो। नहीं, कुछ लोग दिए हैं नाम, कुछ लोग बोले हैं और बोलते बोलते राउडी हीरो लिखना चालू हो गया। एक्चुअली मुझे एक्शन पसंद आती है, मैं हर तरह का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, लेकिन एक्शन मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है और फिट होता हूँ मैं एक्शन में। राम पटेल जी इसी वजह से मुझे फिल्म पंगेबाज में लिए, आरजू में लिए, अभी जो फिल्म वो करने जा रहे हैं 14 फरवरी से, फिल्म का नाम है सलामी, वो भी फुल एक्शन फिल्म है। और अभी 24 तारीख से जो एक फिल्म करने जा रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, फैमिली टाइप की है। तो एक्शन होता है तो फिर सिर्फ मुझे याद करते हो प्रेम सिंह को, राउडी हीरो प्रेम सिंह को। सबसे पहले तो मैं सुनना चाहता हूँ। चलिए मैडम, चलिए मैडम, गाना गाइए। अभी तो गाया ना, फिर से सुना दीजिए। नहीं है, इसीलिए रिक्वायरमेंट की है। जरूर जरूर सुना। लेटेस्ट अभी तो बहुत सारे आया, होली के आया है और लोकगीत भी आया, तो मैं लोकगीत सुनाती हूँ। चढ़लो बे शर्म जवानी, जवानी चौबन से ओढ़नी सरकता। चढ़लो बे शर्म जवानी, जवानी चौबन से ओढ़नी सरकता। रही रही के आवे अंगड़ाई, वो तो कंटिन्यू हर हमेशा हर सेट में होता है। मैं अपने फैंस और ऑडियंस से पहले तो अगेन माफ़ी चाहूँगी, हाथ जोड़ के नमस्ते करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। ऐसे अपना आशीर्वाद और प्यार देते रहिए आप लोग, ऐसे ही मैं आप लोगों की उम्मीद पर खड़ी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे साथ प्रेम जी हैं, इनको भी अपना आशीर्वाद, और साथ में अपना जे के चौहान जी को भी अपना आशीर्वाद दीजिए। इस फिल्म को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि हम कुछ अच्छा करें। और थैंक यू, बस ऐसे कॉपरेट कीजिए आप लोग। जी हाँ, मैं हमेशा की तरह कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ फैंस के सामने और माथा झुकाता हूँ, बस वो लोग आशीर्वाद देंगे। थैंक यू। कौन है उसको देखो, कहाँ है मुंबई में, और मैं हाथ पीछे कर थोड़ा उसमें नहीं आ सका, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। शिव काशी हमारे डायरेक्टर हैं पटेल जी, चलो धन्यवाद सर है राम बाबू जी, और हमारा हीरो है बहुत ही प्यारा हमारा छोटा भाई प्रेम सिंह, और एक सेकेंड हीरो है हमारा भाई लोल्लू यादव। फिल्म बहुत ही उम्दा किस्म की बन रही है, आज इस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है शहर में, लाइट ऑफ करो, मैं शूटिंग कर रहा हूँ इसकी वजह से लाइट ऑफ नहीं हो सका। मैं आप सब लोगों से, अरे यार ऐसा ना करो, और क्या पूछना चाहते हैं राम